हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो को मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो भी बताऊंगा वो मैं खुद के एक्सपीरियंस के अनुसार, अनुभव के अनुसार ही बताऊंगा, ठीक है। ये कोई यूट्यूब का रूल नहीं है या फिर रेगुलेशन नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी एक न्यू ब्लॉग शूट करने के लिए, तो वो ब्लॉग आएगी मेरे ब्लॉग वाले चैनल पर। तो अभी तक अगर आपने मेरे ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक्चुअल चीज़ बताऊंगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बेल इंट्रो या फिर कोई इसी तरह की इंट्रो ये सब यूज क्यों नहीं करता। दोस्तों, मैं पहले बता दूं, आज से 2 महीने पहले मैं यूज करता था, बट अभी 2 महीने से यूज नहीं कर रहा। इसका रीज़न मैं बताऊंगा, आपको भी नहीं करना चाहिए, इसका प्रूफ भी बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि दोस्तों, मैंने जो है अभी, जैसे आप लोगों को पता है कि यूट्यूब का स्टूडियो बीटा, न्यू बीटा वर्जन में आ गया है स्टूडियो, जहाँ से आप अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स को और भी बारीकी से देख सकते हो कि कहाँ पर आपका ऑडियंस रिटेंशन गिर रहा है, कहाँ पर आपका एंगेजमेंट ज़्यादा है, कहाँ पर एंगेजमेंट कम है। तो दोस्तों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर आज से 2 महीने पहले जब देखा था, तो देखा था कि जहाँ पर मेरा बेल इंट्रो चलता था, जैसे कि पहले वाला मेरा इंट्रो आता था कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो वो वाला इंट्रो जहाँ पर चलता था, वहाँ पर मेरा ऑडियंस रिटेंशन हमेशा ग्राफ जो है नीचे भागता था। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर मतलब ये होता था कि पब्लिक को, वो व्यूअर्स को जो है बोरिंग लगता था वो इंट्रो, जिसके कारण से वो लोग क्या करते थे कि वीडियो को स्किप करके चले जाते थे। तो इससे क्या होता है कि दोस्तों, मैं आप लोग को एक कुछ दिन पहले एक वीडियो में बताया था कि अभी यूट्यूब के न्यू रूल के अनुसार अभी जो है आपके चैनल पर, आपके वीडियोज पर ऑडियंस रिटेंशन एंगेजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन 50% से ज़्यादा आता है तो आप समझ जाइएगा कि आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो सकती है या फिर व्यूज़ आ सकती है, और सजेशंस भी पे भी जाएगी, ब्राउज फीचर में भी जाएगी। तो दोस्तों, मैंने देखा था कि मेरा ऑडियंस रिटेंशन जहाँ पर मैं बेल इंट्रो ये सब यूज करता था वहीं पर गिर जाता था, इसलिए मैंने वहाँ से बेल इंट्रो को यूज करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका चैनल, मान लीजिए आपका चैनल पर अगर आप बेल इंट्रो नहीं लगाओगे मेरे अनुसार, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपका ऑडियंस रिटेंशन गिरेगा नहीं और आपका एंगेजमेंट बना हुआ रहेगा व्यूअर्स के साथ, और आपके वीडियोस पे एवरेज व्यूज़ ज़्यादा आने के कारण से आपके वीडियोस का व्यूज़ भी ज़्यादा आ सकता है। बट दोस्तों, एक बात और सुन लीजिए, अगर आपका चैनल किस कैटेगरी का हो वो सबसे पहले देखना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल जो है न्यूज से रिलेटेड है, तो न्यूज रिलेटेड है तो आपको बेल इंट्रो लगाना जरूरी है। अगर आपका कॉमेडी चैनल है तो भी आपको बेल इंट्रो लगाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर व्यूअर्स जो आते हैं वो कोई भी हो सकता है, पढ़ा लिखा आदमी भी वहाँ पर देख रहा है और अनपढ़ आदमी भी देख रहा है, ठीक है। कॉमेडी तो सब देखते हैं, न्यूज़ तो सब सुनते हैं, तो बहुत कोई ये नहीं पता होता है कि सब्सक्राइब करना किसे कहते हैं और बेल इंट्रो दबाना किसे कहते हैं। तो वो लोग को उस टाइप के चैनल्स पर बेल इंट्रो लगाना जरूरी है। बट दोस्तों, अगर आपका चैनल मान लीजिए मेरे टाइप का कैटेगरी का है, टेक कैटेगरी का चैनल है, जैसे कि मेरा तो अधिकतर व्यूअर्स जो है वो क्रिएटर है, तो क्रिएटर लोग को तो हमेशा उन लोगों को तो पता ही है कि सब्सक्राइब किसे कहते हैं और बेल आइकन दबाना किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियोस पे दम होगा, अगर पावर होगा, वीडियोस में कुछ नॉलेज मैं शेयर कर पाऊंगा, तो वो लोग को अगर अच्छा लगेगा मेरे व्यूअर्स को, तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, तो मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप अपना कैटेगरी के हिसाब से भी देख लीजिएगा कि आपको लगाना जरूरी है या नहीं, और मेरे अनुसार यह है कि नहीं लगाने से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑडियंस रिटेंशन आपका कम नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज मिल गई है। अगर मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।